दिग्रस नगर परिषद शिक्षा विभाग की ओर से कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले कोरोना योद्धा शिक्षकों और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। गुरुवार को पालिका के सभागृह में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में पत्रकारों सहित बड़ी संख्या में पालिका की विभिन्न स्कूलों के प्राथमिक शिक्षक शिक्षिकाएं मुख्य अध्यापक आदि ने शिरकत की थी। कोरोना संक्रमण काल के दौरान जान हथेली पर लेकर जहां डॉक्टर पुलिस स्वास्थ्य कर्मचारियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उत्कृष्ट सेवा प्रदान की, वहीं कोरोना संक्रमण से निपटने में शिक्षकों और पत्रकारों का योगदान भी भुलाया नहीं जा सकता। इस बात के मद्देनजर नगर पालिका दिग्रस के शिक्षा विभाग की ओर से गुरुवार को नगर पालिका की उर्दू मराठी माध्यम की विभिन्न स्कूलों के प्राथमिक शिक्षकों और विभिन्न अखबारों तथा यूट्यूब चैनलों के पत्रकारों का सत्कार समारोह संपन्न हुआ। शिक्षा सभापति फिरोज मुश्ताक पटेल की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर पूर्व जलापूर्ति सभापति तथा नगर सेवक कैलाश जाधव सर, पूर्व मुख्याध्यापक एजाजुद्दीन सर और डॉक्टर मनोज टेवरे प्रमुखता से उपस्थित थे। इस दौरान सभागृह में बड़ी संख्या में उर्दू तथा मराठी माध्यम के स्कूलों के शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित रही। मान्यवरों के हाथों पत्रकारों और शिक्षकों को शाल, पुष्पगुच्छ तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर नगर सेवक कैलाश तानसा जाधव सर ने शिक्षकों और पत्रकारों द्वारा कोरोना काल में दी गई सेवा और योगदान को सराहते हुए समाज निर्माण में उनकी भूमिका और अहमियत पर प्रकाश डाला। वहीं डॉक्टर मनोज टेवरे और एजाज सर ने भी शिक्षक और पत्रकारों की सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही पत्रकार सुरेश चिल्डे ने उक्त सत्कार समारोह के आयोजन के लिए फिरोज पटेल और आयोजकों की तारीफ की। कार्यक्रम के अंत में शिक्षा सभापति फिरोज पटेल ने पत्रकारों और शिक्षकों द्वारा कोरोना संक्रमण की विकट घड़ी में प्रदान की गई सेवाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का आयोजन कर वे बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि असल में प्राथमिक शाला के शिक्षकों ने कोरोना काल में दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। वहीं पत्रकार बंधुओं ने कोविड-19 संक्रमण की स्थिति, आंकड़े, कोविड केयर कार्यप्रणाली की खामियों को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित कर कोरोना योद्धा के रूप में संक्रमण काल में खुद को खतरे में डाल के जो सेवा प्रदान की है उनके प्रति आभार व्यक्त कर उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहरहाल कार्यक्रम की प्रास्ताविक जानकारी शिक्षक मयूर दूधे ने सामने रखी, वहीं शिक्षक अनिल कवटकर ने संचालन की कमान संभाली। तो अंत में शिक्षक मोहम्मद अतीक ने आभार व्यक्त कर कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।